हेलो एवरीवन, नमस्कार और हैप्पी फूल डे और हिंदू नववर्ष की आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आज से हम लोगों का, हिंदुओं का जो नया साल होता है 14 मार्च से स्टार्ट होता है, जिसको हम फूल डे के त्यौहार से उस दिन मनाते हैं। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 1 जनवरी से नया साल होता है, लेकिन हम लोगों का आज से चैत का महीना जो होता है 14 मार्च को फूल डे का त्यौहार उस दिन से मनाते हैं। और नई बसंत ऋतु का आगमन भी होता है, नए फूल खिलते हैं, नई कलियाँ खिलती है, और इसीलिए हम फूल डे का त्यौहार मनाते हैं, फूलों से खेलते हैं। आगे ब्लॉग में बने रहिए। हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल चेतना ब्लॉग में। आई होप कि फ्रेंड्स आप सब लोग अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। आज है फूल डे का त्यौहार, आप सबको भी हमारी ओर से फूल डे की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और अभी बज चुके हैं 11:30, त्यौहार मना लिया है हमने और बेटी यहीं पर मेरे पास में है और हस्बैंड जी चले गए हैं ऑफिस और बेबी अभी सो रहा है, उसकी है पहली फूल डे, तो इस बार हमने ये त्यौहार मनाया और अभी आप लोगों के साथ भी हम शेयर करेंगे और पूरा हमारा जो ये ब्लॉग बनाऊंगी इसको ज़रूर देखना। और अगर हमारा ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और जो लोग भी नए हैं चैनल पे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको हमारा त्यौहार कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आज जो फूल डे का त्यौहार है ये हमारे उत्तराखंड में मनाया जाता है, हमारे गांव में। जब हम बचपन में छोटे थे, जब गांव में थे, तो बहुत ये त्यौहार हमने मनाया है। बहुत ही शौक से हम फूल डे के एक दिन पहले जो शाम होती है उसी दिन हम फूल तोड़ के इकट्ठा कर लेते हैं शाम के टाइम पे, लेकिन फिर दूसरे दिन सुबह भी थोड़े ताज़े फूल तोड़े जाते हैं और नई नई टोकरी बनाई जाती है या फिर कुछ बर्तन होते हैं नए वो रखे जाते हैं। और जो नए बच्चे होते हैं, जो न्यू बॉर्न होते हैं, मतलब नए 1 साल के बच्चे, उनका ये पहला त्यौहार होता है, तो उनके लिए नया बर्तन या नई टोकरी आई जाती है घर पे। तो इसलिए हमारे बेबी की भी अभी पहला त्यौहार है ये फूल डे का, तो हमने सोचा हम भी इसे बड़े शौक से मना लेते हैं। और हमने मनाया और उसके लिए हमने बर्तन तो नहीं, टोकरी लेके आए, क्योंकि टोकरी ही अच्छी लगती है इस त्यौहार में। तो हमें यहाँ पे दिल्ली में, तो मैंने तो सोचा था नहीं मिल पाएगी टोकरी, तो कुछ बर्तन ही रख लूँगी, लेकिन टोकरी मिल गई थी तो हम वो टोकरी ले आए थे, क्योंकि टोकरी का ही सगुन होता है। और टोकरी हमारे गांव में पहले से जितने घर में बच्चे होते थे सबके लिए टोकरी बनाई जाती थी, और हम लोग गाँव में जाते थे सुबह सबके घर पर और दहलियों में फूल और चावल चढ़ाए जाते हैं और फूल दही छम्मा दही करके सारे बच्चे सबके घर पे जाते थे और सबको प्रणाम भी बोलते हैं आज। तो इसी तरह हमने भी आज कोशिश की कि ये त्यौहार मनाएंगे और मनाया भी। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये बनाई हमने अपनी बेबी के लिए टोकरी, ये देखिए फ्रेंड्स, नए बच्चों के लिए टोकरी, और इसमें गुड़ रखते हैं, कुछ पैसे और चावल, और ये फूल है इसमें, और ये है मेरी बेटी की, ये मेरी थाली, ये है इसकी प्लेट, इसकी थाली कटोरी, सब में चावल गुड़ और ऐसे रखा जाता है। और पहले से तो हम गांव में 3-3, 4-4 बर्तन लेके पूरे गांव में जाते थे और बड़े शौक से ये त्यौहार मनाते थे, और आज हमने भी फिर से वही त्यौहार मनाया और बहुत अच्छा लगा इसको मना के आज। आपको कैसा लगा ये त्यौहार आज का? बहुत पसंद आया, मुझे तो लगा था कि आप बड़ा बनाओगे, बड़ा क्यों नहीं बनाया? बड़ा बड़ा बनाने का टाइम ही नहीं मिला, वो ना दाल भिगा के रखी हुई थी बड़ा जल्दीबाजी में, क्योंकि सबको ऑफिस भी जाना था और सुबह सुबह बेबी भी उठ गया था, तो कुछ नहीं बना पाए, मतलब सारी चीज़ें तो बना ली थी लेकिन बड़े पीसने का, बनाने का टाइम नहीं मिल पाया, लेकिन मैं शाम को बनाऊंगी, ठीक है? हाँ, शाम को इसके लिए बड़े ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि दाल मैंने भिगा के रखी हुई है। तो ठीक है, हैप्पी हो। हाँ, ये मेरी टोकरी। बाय बाय फ्रेंड्स। और आपको ये कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना, हमारी प्यारी सी टोकरी कैसी लगी आपको? बहुत सुंदर। चलो फ्रेंड्स, आगे आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए और आगे देखिएगा।
बाय अभी के लिए। मम्मी हमने मेलन खाता। ओके हाँ एक मिनट, और किस किस ने फ्रेंड ये त्योहार आज मनाया हमें जरूर बताना और कमेंट भी करना जिस जिसको इस त्योहार के बारे में पता है, क्योंकि पहाड़ी और उत्तराखंड के सभी लोगों को ये पता होगा और किसने दिल्ली में रह के या कहीं और ये त्योहार मनाया आज जरूर कमेंट करना फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय फ्रेंड्स। मम्मी मैंने आपसे कहा था हाँ? कि इस टोकरी में धागा डाल देना। धागा क्यों नहीं डाला? धागा भी डालते क्या इसमें? ये बोल रही कि टोकरी में मैंने बोला था धागा भी डालना, पता नहीं क्या बोल रही है। धागा धागा तो नहीं डालते बेटा, जो चीजें रखते हमने रख दी है। तो अभी के लिए बाय और फिर मिलती हूँ अभी आपसे। ठीक है, अभी शाम को से मिलते हैं। सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के नहा धो के और पूजा की तैयारी होती है जो मैंने कर ली है। यहाँ पे बेबी के लिए टोकरी रेडी कर दी है। टोकरी को टीका लगाया जाता है, उसमें कुछ पैसे रखे जाते हैं, गुड़ रखा जाता है, पैसे का शगुन होता है इसलिए, और चावल रखना तो ज़रूरी है क्योंकि चावल फूल तो मेन होता है आज के दिन। और बेटी की भी और बेटे के लिए भी तैयार कर दी मैंने टोकरी, और मंदिर भी तैयार है। और यहाँ पे खाना वगैरह भी मैंने सब कुछ बना लिया था, बस बेटी सबको भी नहलाया, सबको रेडी किया, उसके बाद उसको टीका लगाया और फिर हम अपनी दहली में गए बाहर गेट पे, जो मेन दरवाज़ा होता है। यहाँ पे फूल चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, और ऐसे ही मैं बेबी को लेके गई और बेटी भी साथ में। हमने सारी दहलियों में फूल चढ़ा दिए थे क्योंकि हर दहली में फूल चढ़ाया जाता है। आज फूल दे का त्यौहार, फूलों का त्यौहार होता है। और यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटोज़ वगैरह ली हमने, और ये मेरी बेटी की थाली। और गांव में तो हम पूरे गांव में जाते थे, लेकिन यहाँ पे तो बस अपने अपने घर में ही किया। यहाँ पे फिर मैंने नाश्ता लगा दिया था और बेटी ने बस सेवई और पूरी खाई थी, क्योंकि उसको सेवई बहुत पसंद भी है और अच्छी भी लगी। और यहाँ पे हमने भगवान जी को भी भोग लगा दिया था। उसके बाद थोड़ा सा बेबी का फ़ोटोशूट वगैरह किया। उसके बाद थोड़ा सा फ्री हो गई थी। फ्री तो क्या, काम तो बहुत पड़ा हुआ था, लेकिन बेबी को लेके छत पे गई थी। हम लोग छत पे से आ गए हैं, मैं बेबी को लेके मैं गई थी छत पे, के बाद आ गए हम और उसको आ रही थी नींद। मैं नीचे आई और उसको सुला रही थी, लेकिन वो बहुत कोशिश की उसको सुलाने की, लेकिन वो सो नहीं रहा है अभी भी। कब से मैं उसी को सुला रही थी, क्योंकि अभी काम भी पूरा फैला हुआ है। बेटी उसको यहाँ पे सुलाने की कोशिश अब कर रही है, क्योंकि अभी मेरा काम भी सारा ऐसे ही रखा हुआ है, मतलब कि किचन समेटनी ऐसी है। कम से कम एक घंटा हो गया मैं उसे सुला रही थी, लेकिन वो नहीं सो रहा है। तो अब मैं जल्दी से काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद उसे सुलाऊंगी आराम से। और बेटी यहाँ पे देख रही है टीवी, तो जल्दी जल्दी मैं अपने किचन का काम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर बेबी को देखूँगी। फिर मैं जल्दी से किचन में आई, सब्जी वगैरह भी बाकी थी और सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो मैंने जल्दी जल्दी खाना जो भी था सारे बर्तनों में शिफ्ट कर दिया था। उसके बाद मैंने जितने भी बर्तन थे सारे वो धोए और काम निपटा के फिर उसको सुलाया और थोड़ी देर रेस्ट किया। फिर होती है सीधे शाम, और शाम को बनाई फिर मैं चाय बनाई थी, और बेबी भी उठ गया था, वो भी खेल रहा था। उसके बाद मैं चाय बनी रही थी, तब तक मैं बालकनी में गई, और मौसम भी अच्छा हो रहा है और प्लांट्स को पानी देना था, तो मैं एक बोतल से पानी ले गई, इनको पानी दिया क्योंकि डेली पानी की ज़रूरत हो रही है आजकल, क्योंकि धूप हो रही है और गर्मी भी हो रही है। इसके बाद मैंने चाय वगैरह पी ली थी, पूजा की, और फिर सीधे शाम के खाने की तैयारी होती है। शाम को मैंने बड़े बनाने थे, बेटी ने बोला जो था सुबह बना नहीं पाई थी जल्दीबाजी में, तो ये बहुत ही टेस्टी बड़े बने थे, उड़द के हैं, तो इसमें हींग और एक काली मिर्च डाली मैंने, जिससे हींग से बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है। और बस हमारा आज का ब्लॉग बस अभी हम एंड होता है। यहाँ पर पूरी बनाई थी फिर मैंने, क्योंकि बड़ों के साथ अच्छी लगती है पूरियाँ। और फ्रेंड्स, आपको आज का मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। चैनल पे जो लोग नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।